हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीपीएन प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम आज समाचारों के साथ पहले मुख्यमंत्री। तीसरे फेज का कोरोना वैक्सीन अभियान जोरों पर, 3 मार्च से जारी है तीसरे फेज का टीकाकरण। पुलिस प्रशासन, व्यापारी, आम लोग मिलकर करें मुकाबला अपराधियों का, सूझबूझ से करें अपराधियों का प्लान फेल। अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों का किया निरीक्षण। भारी मात्रा में शराब की बरामदगी, कारोबारी पकड़े भी गए। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीड हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। तीसरे फेज में 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीका लगातार लगाया जा रहा है। शनिवार को भी यह जारी रहा, 3 मार्च से यह कार्यक्रम। कोरोना वैक्सीन का तीसरा फेज 3 मार्च से प्रारंभ है। 60 वर्ष से ऊपर और 45 से 59 वर्ष के गंभीर बीमारी वाले लोगों का टीकाकरण मुफ्त में दिया जा रहा है। टीकाकरण वैक्सीनेशन के लिए 3 मार्च से इसकी शुरुआत कर दी गई। टीकाकरण का कार्य प्रगति पर है। 10 बजे से शाम 5 बजे तक टीकाकरण केंद्रों पर आप आधार कार्ड लेकर रजिस्ट्रेशन कराकर कोरोना वायरस का टीकाकरण ले सकते हैं। कोरोना वैक्सीन लगातार प्रगति। पहला जो अभियान चला था वह 16 जनवरी को, 28 दिन बाद उसका दूसरा डोज और उसके 15 दिन बाद, यानी अब बहुत लोगों को आज़ादी मिल चुकी है जिन्होंने दूसरा डोज 15 या 16 फरवरी को लेकर 15 दिन बिता लिया। हम आपको बताते हैं कि पुलिस हॉस्पिटल लोहिया चौक लहरिया सराय में टीकाकरण केंद्र, जहां कई तरह के लोगों का टीकाकरण शनिवार को किया जा रहा था, कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन लगवा रहे थे। टीकाकरण सेंटर पर ऐसे भी टीकाकरण करने वाले व्यक्ति आए जिन्होंने पहला टीका लगवा लिया था और दूसरा लगवाने वे पहुंचे थे। अच्छा महसूस कर रहे हैं? 28 दिन बाद जी, जी। नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। टीका लगाए, कोनो दिक्कत नहीं। हम वह लगाए टीका, कोनो दिक्कत नहीं। टीका सर 6 फरवरी को लिया था और आज दूसरा टीका के लिए मैं आया और सफल लेकर अभी बैठे हूँ। क्या टीका के क्रम में किसी तरह का कोई दिक्कत भी? कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। जो लोग डरते हैं कि दर्द वगैरह होता है, चलो उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उन लोग को भी हम कहेंगे कि अपने आए टीका लें, बढ़ चढ़ कर लें, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लाइन है यहाँ पे 60+ जो एवब लोग हैं ना, उनका टीकाकरण चल रहा है। ये भी पूरे महीने चलेगा, 9 to 6। आज तो 30 लोगों का हुआ है यहाँ पे, तो सबको अच्छे तरीके से, मतलब किसी
किसी को मतलब इशू नहीं हो रहा है, किसी को तो पेन भी नहीं पता चल रहा है, बोल रहे हैं बहुत अच्छा है। दूसरा डोज लेने के बाद 15 दिन तक आपको सतर्कता बरतनी है और उसके बाद कोरोना से आजादी, वो कोरोना जिसने मार्च 2020 में कोहराम मचा दिया था। याद कीजिए 22 मार्च का वह काला दिन जब जनता कर्फ्यू हालांकि एक शुरुआत थी लेकिन एक जंग लड़ने का आगाज था। याद कीजिए 25 मार्च जिसने संपूर्ण लॉकडाउन हो गया था, ट्रेनें रुक गई थी, जो जहां थे 21 दिनों के लिए ठहर गए थे। पहले बताया गया था 14 अप्रैल और 14 अप्रैल से पहले एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका विस्तार करके 3 मई कर दिया था, त्राहिमाम स्थिति हुई थी। और इस बीच में ये 28 दिन की बात करें तो भारत सरकार ने पूरी तैयारी की थी, 3 मई के बाद ट्रेन जो श्रमिक स्पेशल है वह चली और धीरे धीरे दूर दराज जो लोग फंसे हुए थे वे धीरे धीरे भीषण गर्मी में वापस लौटने लगे 3 मई के बाद। दरभंगा स्टेशन पर सोशल डिस्टेंस से लेकर सब कुछ बनाया गया था, क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। वो मार्च का महीना जिसमें दुनिया थम गई थी, भारत थम गया था, ट्रेन रुक गया था, लेकिन ये मार्च का ही महीना, अंतर यही 2021, जहां कोरोना से आज़ादी लेने के लिए मिलने के लिए हम बेताब हैं और उस दिशा में इस पर अंतिम प्रहार जो वैक्सीन है उसे लेकर एक आज़ादी कोरोना को परास्त करने की तैयारी। अपराधियों पर लगाम कसने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और दरभंगा पुलिस विभिन्न जो बड़े प्रतिष्ठान है, दुकान है, मॉल है, वहां के व्यापारिक प्रतिष्ठानों का उन्होंने निरीक्षण किया, दौरा किया और ग्राहकों को किस तरह से अपराधियों से निपटना है, सीसीटीवी कैमरा लगाना है, अपने को बचाना है, इसके बारे में गुण सिखाए, आपसी जो कमियां थी अपना भी जाना और उनकी कमियों को दूर करने का एक सुझाव दिया। आपस में किस तरह से पुलिस प्रशासन और व्यापारिक प्रतिष्ठान और आम लोग मिलकर अपराधियों से बचे, मुकाबला करें और उन्हें जेल के सलाखों तक पहुंचाए, उनके मंसूबे पर पानी फेरे, इस संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी सदर और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संयुक्त रूप से निरीक्षण करने कई प्रतिष्ठानों पर। तू डाल डाल मैं पात पात, अपराधी हमेशा इसी फिराक में रहते हैं कि किस समय व्यापारी या आम लोग, पुलिस प्रशासन चूक करे और उनके मंसूबे सफल हो जाए। लेकिन आम जन, व्यापारी, पुलिस प्रशासन को मिलकर अपराधियों के मंसूबे को नाकाम करना है। आए दिन बैंक लूट, छीना झपटी, धोखाधड़ी और चोरी, डकैती, हत्या, हथियार से वार इत्यादि अपराधी इसी फिराक में रहते हैं, वो प्लान बनाते हैं और हम और आप निश्चिंत होकर दिनचर्या जिस तरह काम होता है करते हैं, लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं घटना हो जाती है, फिर कई सवाल उठते हैं, फिर सतर्क होते हैं। आम लोग, व्यापारी, पुलिस प्रशासन आपसी तालमेल करे, सतर्कता गई, दुर्घटना हुई, ये सड़क पर भी नियम लागू होता है और प्रतिष्ठान में भी। बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था को देखा, अपराधी कहां कहां सेंध मार सकते हैं, सतर्कता गई और दुर्घटना हुई, सड़क भी नहीं आपके घर में भी, आप दिन रात व्यापार करते हैं, बैंक जाते हैं, नकदी जमा करते हैं, सामान लाते हैं और अपराधी किस रूप में आपका पीछा कर पाते हैं, अपनी व्यस्तता में आप इससे नहीं भाप पाते और यही दुर्घटना घटती है। सचिन तेंदुलकर भी रन आउट हो जाते हैं, ऐसे में आपके साथ भी घटना हो सकती है, इसे गंभीरता से लीजिए। जी हाँ, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश गुप्ता और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनोज कुमार ने सरकार के निर्देश पर कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, बैंकों इत्यादि का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया, कई खामियों को देखा, व्यापारियों से उनके विचार, उनके सुरक्षा के इंतजाम को साझा किया, सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा लगाने पर जोर दिया कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं भी करें, हम तो प्रशासन लगातार आपके साथ है, लेकिन जब तालमेल रहेगा तो अपराधी हमेशा पीछे हटेंगे, अपराधी अपने मंसूबे में नाकाम होंगे और यह हम सब मिलकर असफल कर सकते हैं।
उसे सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में आप हमेशा सुरक्षा की जो खामियां है उसे पाटते रहें। सभी लोगों का सुरक्षा की क्या व्यवस्था है इसके संबंध में उन लोगों के साथ आज हम लोग विजिट में आए हैं और जो भी कमियां हैं उसके बारे में इन लोगों को हम लोग बताए हैं, जैसे सीसीटीवी वगैरह गार्ड वगैरह की क्या व्यवस्था है इसके बारे में हम लोगों ने उनको डिटेल से बताया है और जो कमी है उसको दूर करने का इन लोगों को निर्देश दिया गया है। इन लोगों द्वारा बताया गया है कि जो कमियाँ हैं उसको दूर कर दिया जाएगा। इसी तरह से आज हम लोगों ने एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, बिग बाजार, आदित्य विजन वाले सभी दुकानों का आज भ्रमण किए हैं और सिक्योरिटी से संबंधित सभी जानकारी और सुविधा वगैरह लिए हैं और हम लोग चाहेंगे कि सभी लोग समझदारी से और बुद्धिमानी से अपना व्यवहार करें और कोई भी यदि कोई समस्या होती है तो तत्काल थाने में खबर करें और इसकी सूचना बहुत जगह लोग डिस्प्ले भी कर रहे हैं जानकारी मिलने पर ताकि तुरंत रिस्पॉन्स हम लोग कर सकें। बड़े बड़े प्रतिष्ठान जहाँ परिस्थिति जो है व्यापार का ज़्यादा बड़े आदान प्रदान होता है हुए मॉल हुए ये सब कंसेप्ट के तहत जीत कर करके हम लोग जो है सिक्योरिटी वगैरह देखते हैं और क्या क्या करना चाहिए सुरक्षा के लिए हम लोग उसको गाइडलाइन देते हैं कि आप इसका पालन करें। ज़्यादातर में सभी जगहों पर CCTV है लगाया गया है लेकिन अगर बाहर में और लगाने की आवश्यकता है उसको दिल से किया गया है और बोले हैं कि हम लगाएंगे और सब ठीक है। जहाँ गार्ड वगैरह अपना रखने के जहाँ उनको अधिकार है तो अपना आप गार्ड रख सकते हैं। दिसंबर माह में करोड़ों रुपए का सोना लूटकांड, उसके बाद टाउन हॉल राजेंद्र भवन के पास से लाखों की चोरी, ये सब ऐसी चूक है। हालांकि अलग बात है कि इस डकैती कांड में आधा सोना की बरामदगी हो चुकी है, कई गिरफ्तार हुए हैं लेकिन पुलिस को काफी फजीहत उठानी पड़ी। ऐसी परिस्थिति में इस तरह की घटना न दोहराई जाए, अपराध को शून्य जीरो कम से कम किया जाए और इसमें आपसी तालमेल, सुरक्षा के मानकों को जानना, उसकी खामियों को दूर करना आवश्यक है। इस संदर्भ में राज्य सरकार के निर्देश पर जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है, बड़े प्रतिष्ठान जहां लेन देन ज़्यादा है, जहां कीमती सामान है, बैंक इत्यादि जहां नकदी का लेन देन है, बैंक से पैसा कहां कहां से ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, क्या गोपनीय है और क्या सार्वजनिक है, इन सब बातों को साझा किया व्यापारी बैंक प्रतिष्ठान के प्रबंधन और जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के लोगों ने और खामियों को दूर करने का एक प्रण लिया ताकि अपराधियों के मंसूबे को फेल किया जा सके। बात शराब कारोबारी की, शराब कारोबारी में नगर थाना से लेकर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा शनिवार को और कई गिरफ्तार हुए, शराब की बड़ी खेप पकड़े जाने की सूचना। अवैध शराब कारोबारियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन, SCIAT टीम के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी हुई विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत बालूघाट में कजियाना सहनी टोला में, जिसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई, नरेश सहनी नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई और भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई। भारी मात्रा में शराब की बरामदगी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। गुप्त सूचना के आधार पर CIT टीम ने यह बरामदगी की। छोटे छोटे बोतल पैक कर करके उसे छिपा करके रखा गया था। पहले भी यह कारोबारी शराब के मामले में और इसकी खोज की जा रही थी और यह धर दबोचा गया। होली का समय है, लगातार सख्ती के बावजूद शराब कारोबारी तू डाल डाल में पात पात की स्थिति में, नगर थाना में भी भारी मात्रा में शराब बरामदगी की सूचना है। ईपिक डाउनलोड कैसे किया जाए इत्यादि बात को लेकर संबंधित पदाधिकारी के साथ एक बैठक हुई शनिवार को समाहरणालय। अब ईपिक आपके मोबाइल पर होगा और वह वैध होगा। 1 फरवरी से यह अभियान चल रहा है। लंबी शिकायत रही थी कि ईपिक बना तो लेकिन वितरण नहीं हुआ, उनका गोदाम में रह गया, अधिकारियों के पास रह गया। 1 फरवरी से चल रहे इस अभियान का निर्वाचन आयोग जोर शोर से प्रचार कर रहा है। उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार की अध्यक्षता में BLO और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की, बताया गया कि कैसे
ईपिक डाउनलोड मोबाइल में करना है, आप अपना ईपिक निकाल कर उसे लेमिनेशन करा कर रख सकते हैं, यह वैलिड है और मोबाइल में भी आपका यह ईपिक वैलिड है। किस प्रकार आप इसे लोड करें, कहां कहां क्या दिक्कत आती है, इसका निदान करें, उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार ने बताया। देश था ईपिक कैसे डाउनलोड किया जाए, हमेशा शिकायत रहती कि किसी का ईपिक बना परंतु डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, संशोधन करवाया उसके बाद नहीं मिला। आयोग ने डायरेक्शन दिया है कि 1/1/21 के आधार पर जो भी इलेक्टर रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो चुका है, उनको ईपिक डाउनलोड करने का 100% वर्क पूरा कर लिया जाए। इसलिए हम लोगों को टारगेट दिया गया है कि 15 मार्च तक ऐसे सभी इलेक्टर जिन्होंने न्यूली रजिस्टर्ड हुए हैं, 1/1/21 के आधार पर रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है, उनको ई ईपिक डाउनलोड करने की सुविधा प्राप्त कराई। किस तरह के लोगों के साथ ये बैठक की गई है? ये हमारे सभी जो प्रखंड कार्यालय में इलेक्शन का काम देखते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, ताकि सभी लोगों को BLO को ये ट्रेनिंग देंगे और BLO अपने संबंधित इलेक्टर्स को बताएंगे कि कैसे डाउनलोड किया जाएगा। जिला जनस्वच्छता समिति की बैठक विकास भवन में हुई, जिला पदाधिकारी प्रभारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में यह बैठक। जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक प्रभारी जिला पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में हुई। 31 मार्च तक टारगेट पूरा करना है, लेकिन प्रभारी जिलाधिकारी ने कहा कि 17 मार्च तक कार्य पूरा करें। बैठक में ODF अंतर्गत पंचायतों को बेसलाइन सर्वेकर्ता का भुगतान एवं किए गए दीवार लेखन होर्डिंग कार्य की भुगतान इत्यादि के संदर्भ में निर्णय लिया गया। 2 जिला सलाहकार जिला रिसोर्स पर्सन को लैपटॉप भत्ता एवं अन्य आवश्यक सामग्री पर भी चर्चा हुई। बैठक में कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। तीसरे फेज का कोरोना वैक्सीन अभियान जोरों पर, 3 मार्च से जारी है तीसरे फेज का टीकाकरण। पुलिस प्रशासन, व्यापारी, आम लोग मिलकर करें मुकाबला अपराधियों का, सूझबूझ से करें अपराधियों का प्लान फेल। अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों का किया निरीक्षण। भारी मात्रा में शराब की बरामदगी, कारोबारी पकड़े भी गए। विधि व्यवस्था से संबंधित बैठक प्रमंडलीय कार्यालय में होनी थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गई। प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृत विभाग LNMU दरभंगा में भारतीय दर्शन, मिथिला का योगदान विषय 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ। भारत के दर्शन में मिथिला का योगदान, प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित सेमिनार जो 2 दिवसीय था, उसका समापन हुआ। 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में कई वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। दर्शन की विशेषता, जिसकी चर्चा प्रारंभिक सत्र में, आज के तकनीकी सत्र में डॉक्टर जयदेव मिश्र जी ने की, उन्होंने कहा था विचार विमर्श तर्क वितर्क ही इस दार्शनिक चिंतन की धारा को निरंतर प्रभावान बनाकर और इसको अक्षुण बनाया। विलोचन तथयो सारम विलोक्याखिलम तंत्रे दोषगणेन दुग्ध किया, ये इससे क्या हुआ तो सारे बुद्धों को, सारे प्रतिपक्षियों को धूल कटा दिया। CM कॉलेज में संस्कृत शिविर चल रहा है, यह 8वें दिन भी जारी है।
संस्कृत विभाग द्वारा संचालित संस्कृत संभाषण शिविर 8वें दिन भी जारी रहा। प्रधानाचार्य एवं संस्कृत विभाग अध्यक्ष ने भाग लेकर प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग के तत्वावधान में यह कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर है यह। 8वें दिन निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मुख्य प्रशिक्षिका अंशु कुमारी द्वारा प्रतिभागियों को सरल संस्कृत संभाषण का अभ्यास कराया गया। प्रधानाचार्य ने बेहतरीन शिविर संचालन हेतु संयोजक डॉक्टर संजीत कुमार झा तथा मुख्य प्रशिक्षिका अंशु कुमारी की सराहना की। संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर आर एन चौरसिया ने बताया कि उस शिविर का समापन 9 मार्च को 11 बजे सेमिनार हॉल में आयोजित होगा, जिसमें सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया जाना है। सीएम कॉलेज दरभंगा की संस्कृत विभाग के तत्वावधान में 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर सीएम कॉलेज परिसर में चल रहा है। इसका समापन 9 मार्च को होना है। शिविर में लगभग 75 शिक्षक और छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। अंशु कुमारी प्रशिक्षिका के रूप में प्रशिक्षण दे रही हैं। जो मदरसा मीडिया की नई कमेटी के द्वारा जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ किया गया, कई विकास का काम किए जा रहे हैं और जो पुराने किरायेदार हैं, बकाया रखे हुए हैं, उनसे वसूली करने पर भी सख्त हुआ नया कमेटी। विवादों के बीच एक पखवाड़ा पहले मदरसा हमीदिया किलाघाट में नई कमेटी ने पदभार ग्रहण किया और इसके साथ ही विकास कार्यों को भी अंजाम देना शुरू किया। अध्यक्ष और सचिव लगातार विकास कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ जो किरायेदार जिसने कई महीनों का पैसा बकाया रख लिया, वह नियमानुसार काम नहीं कर रहे हैं, उस पर कमेटी सख्त हुई। मदरसा हमीदिया आवाम की चीज है और ऐसी परिस्थिति में इसे अपना न समझे, जबकि इसका हक जो मदरसा हमीदिया के लाभान्वित लोग हैं पढ़ाई इत्यादि में, उस पर व्यय हो, ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो, ताकि इसका विकास और विस्तार किया जा सके। जो खामियां थी उसे निर्माण कर आगे बढ़ाने की कोशिश। सचिव ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। हम लोगों ने वादा किया था कि 16 साल बनाम 16 दिन, आज हमारा 14 दिन हुआ है। 14 दिन में आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज हुई है। तो देख रहे होंगे कि सारे काम लगभग स्टार्ट हैं। पेंटिंग का काम हो रहा है बहुत तेज़ी के साथ। उसके बाद बढ़ी जो है, जहाँ जहाँ खिड़की केवार वगैरह जो दुरुस्त नहीं थी, बाथरूम में दरवाज़ा नहीं था, तो बढ़ी का काम भी माशाल्लाह चल रहा है। वायरिंग बहुत जर्जर थी, हाँ, और अभी देखने को भी मिल रहा होगा कि बहुत जर्जर है, लेकिन बिजली का भी काम, वायरिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। वजूखाना जो मेन चीज़ थी, ये वजूखाना नहीं था, उसका भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में वो कंप्लीट भी हो जाएगा। लहरियासराय में एक मॉल का उद्घाटन हुआ, डब्लू मार्ट का, और इसमें होली से पहले विभिन्न तरह के सामानों को रखा गया है, जिससे उस इलाके के लोग लाभान्वित। जीएनगंज में एक मॉल का उद्घाटन हुआ और उद्घाटन के अवसर पर प्रबंधक ने बताया कि विभिन्न सामानों को यहां संग्रहित कर बिक्री के लिए उचित दर पर रखा गया है। इस इलाके में इस तरह के मॉल की कमी थी, इससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकेंगे। मॉल में अच्छी क्वालिटी के कपड़े के प्रोडक्ट को बनाया गया है। अगर जितने भी मॉल हैं, सारे मॉल में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाले माल ज़्यादा बिकते हैं। हमारे मॉल में बहुत बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों से बना हुआ वस्त्र का निर्माण करके कस्टमर को कम से कम दाम में दिया गया। हमारा फर्स्ट मोटो रहेगा कि कस्टमर का फुली सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। हमारा जो भी कस्टमर आए उसको पूरा फुल संतुष्टि उसको मिलनी चाहिए। जैसे आपका कस्टमर सर्विस से रिलेटेड हो गया, MRP से रिलेटेड हो गया, यहाँ का हाइजीन हो गया, मतलब जो भी आइटम रहेगा सब कम से कम MRP पे है। तीसरे फेज का कोरोना वैक्सीन अभियान जोरों पर 3 मार्च से जारी है। तीसरे फेज का टीकाकरण
पुलिस प्रशासन, व्यापारी, आम लोग मिलकर करें मुकाबला अपराधियों का, सूझबूझ से करें अपराधियों का प्लान फेल। अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों का किया निरीक्षण। भारी मात्रा में शराब की बरामदगी, कारोबारी पकड़े भी गए। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।